हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को यीशु की ओर उठाते हुए बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 20 में वचन कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहां तक हट जा, तो यह हट जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए आज हम विश्वास करें कि इस मानव जाति के लिए जो सबसे बड़ा चमत्कार हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने किया है वो है इस परम पवित्र यूक्रिस्त में उपस्थित होना। आइए आज हम विश्वास करें कि यीशु हमारे बीच में उपस्थित हैं। उसे अपने सारे पाप सारी परेशानियां समर्पित करें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि जब हम दुर्बल हो जाते हैं विश्वास करने में, जब हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, तो वह हमारी मदद करें। जैसे रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 वाक्य संख्या 26 में वचन कहता है कि आत्मा ही हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। आइए आज विश्वास करते हुए, उस पवित्र आत्मा में विश्वास करते हुए और यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु में विश्वास करते हुए, सब कुछ समर्पित करते हुए आज प्रार्थना करें। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये ना जोर से और ना ताकत से, विश्वास करते हुए गाइए, जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। तू यहोवा है लेलियोन, दुनिया में है तुझ जैसा कौन। गाइए, हे यहोवा है एलियोन, दुनिया में है तुझ जैसा कौन। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ होती है रू सच्चाई से, तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा। जहाँ होती है रू सच्चाई से, तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा। तेरा तख्त वहाँ लगता है कलाम में यही पड़ा। तेरा तख्त वहाँ लगता है कलाम में यही पड़ा। फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा, साफ मिल जाएगा। विश्वास करते हुए गाइए, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। हाथों को उठाते हुए यीशु की स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना हालेलुया हालेलुया।
प्रेरित चरित अध्याय 3 में जिस तरह हम पढ़ते हैं कि जब पैत्रुस और योहन मंदिर जा रहे थे तब उन्हें एक लंगड़ा भिखारी भीख मांगते हुए मिलता है। वचन में लिखा है अध्याय 3 वाक्य संख्या 6 में कि पैत्रुस उनसे कहता है कि मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आज हमें जो नाम ये रिपीट आइए हमें जो नाम दिया गया है यीशु मसीह, आइए आज उस नाम में विश्वास करते हुए सारी बीमारियों को, सारी परेशानियों को, जिस तरह पैत्रुस उस लंगड़े भिखारी को कहता है कि मैं तुम्हें यीशु नाम देता हूँ जिससे तुम चल सको, आइए आज हम विश्वास करें उस यीशु नाम में और अपनी सारी बीमारियों को, सारी परेशानियों को उसके चरणों में रखते हुए उससे प्रार्थना करें। जहाँ होती है तेरी हुजूरी, अच्छे होते हैं जख्म ना सूरी। जहाँ होती है तेरी हुजूरी, अच्छे होते हैं जख्म ना सूरी। ये ता अजमत कलाम को अपने तेरे नाम की दिखती गयूरी। ये अजमत कलाम को अपने तेरे नाम की मिलती गयूरी। लंगड़ा चलेगा भूंगा भी बोले, तू यहोवा है रेलियों, दुनिया में है तुझ जैसा कौन। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा तेरे नाम की कुदरत के। रूहों के लश्कर है भागे तेरे नाम की कुदरत के आगे, बद रूहों के लश्कर है भागे। जो भी शैतान के जाल में जकड़े, सभी जाल जले उधड़े धागे। जो भी शैतान के जाल जकड़े, सभी जाल जले उजड़े धागे। गिरनी की तरह हर कोई अब दौड़ेगा, गिरनी की तरह हर कोई अब दौड़ेगा। ये पहाड़ और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाए।